सो सब एनिमे आर्मी और क्या हाल है, तो वापस आ गए GTO के एपिसोड 10 के साथ। और तुम लोगों से पहले ही कह रहा हूँ, मेरी मेहनत को कचरा मत करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो। लाइक जितनी मेहनत मैं लगा रहा हूँ उतनी तुम्हें भी लगाना चाहिए। और देखो, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, स्क्रिप्टिंग में टाइम लगता है, और ऊपर से एक और एनिमे आने वाली है जिसका नाम है पता नहीं। एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन मैं GTO के एपिसोड 10 से पहले कर दूंगा, तो यानी जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे ऑफकोर्स इस एनिमे का पहले ही एपिसोड आ चुका होगा। तो यार ज़्यादा बकवास करते हुए GTO के एपिसोड 10 को शुरू करते हैं। तो जहाँ तक कि तुम्हें पिछले एपिसोड में याद होगा, एपिसोड एंड हुआ था 9 टुमोरो को दिखाते हुए, जो रो रही थी। एंड इस एपिसोड 10 की शुरुआत भी होती है टुमोरो को दिखाते हुए, जो अपने बचपन को याद कर रही होती है, और जिससे वो मायूबी को बुलाती है, जिसमें वो फिर वो एकदम से वही बात याद करती है जिसमें मियाँ भी उससे कहती है कि उससे कभी बात ना करे, और यही सब दोनों बातें सोच के काफ़ी रोने लगती है। यहाँ से लेसन 10 स्टार्ट होता है जिसका नाम है आउटसाइड लुकिंग इन। अब यहाँ से सीधा दिखाते हैं कि जो मियाबी की दोस्त होती है वो उसे एक कॉम्पिटिशन में आने के लिए कह रही होती है, जो सुंदर लड़की आइडल का कॉन्टेस्ट था नहीं मतलब है। तो मियाबी कहती है कि बिना मेरी परमिशन के, तो उसकी दोस्त कहती है कि मैंने तभी तुमसे इसके लिए एक्स्ट्रा में माफ़ी मांग ली। तभी टुमोरो आती है और सबको गुड मॉर्निंग कहती है, पर मियाबी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और यह सब होता हुआ ओनिज़ुका देख रहा था। तभी वहाँ पे मुसुयू भी आती है और पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। तो ओनिज़ुका कहता है कि मैं बिना नाम का निंजा हूँ और आपको मुझसे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, और वहाँ से ठसका जाता है। फिर यहाँ से सीधा दिखाते हैं क्लास में, जहाँ जिसके अंदर वो टुमोरो आती है, और वो जैसे ही आके अपनी सीट पे बैठती है, और वो जैसे ही बैठती है उसे कुछ महसूस होता है। किसी ने उसकी सीट पर आइसक्रीम रखी थी जो कि सारी की सारी टुमोरो के पीछे लग जाती है, और ये सब मिस फुयू ने भी देखा था। और फिर दिखाते हैं कि मिस फुयू इसी बात को ओनिज़ुका को बता रही होती है। तो ओनिज़ुका गधा है और वो कहता है कि मुझे पता भी नहीं था इस स्कूल में आइसक्रीम भी बिकती है। तो मिस फुयू कहती है ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है। तो ओनिज़ुका कहता है आप सही कह रहे हो। तो मिस फुयू कहती है कि आप सीरियसली सोच भी रहे हो ओनिज़ुका। तो ओनिज़ुका एकदम से स्टैचू वाला पोज देता है, जिसका मतलब है ही वॉज रियली थिंकिंग वेरी सीरियसली। फिर सीधा दिखाते हैं ओनिज़ुका क्लास में पढ़ा रहा होता है, और वो नोटिस करता है कि टुमोरो को कागज पढ़ रहे होते हैं, और जो मियाबी की दोस्त होती है वो टुमोरो को कागज मारते हुए कचरा भी कह देती है, जिस पर ओनिज़ुका काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उसकी तरह भैया बड़ी ज़ोर से भगते हुए आता है, उसके बेंच पे सीधा हाथ दे के मारता है। लेकिन तभी वो अपनी टी शर्ट उतार के कहता है, वो कहते हैं चलो क्या कहते हैं सोडा बोतल का रॉकेट बनाते हैं। तो मियाँ भी कहती है अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए, वरना मैं जा रही हूँ। एंड वो वहाँ से चली भी जाती है। फिर यहाँ से दिखाते हैं ये दोनों जीरा सोडा कह रहा हूँ मैं, रॉकेट सोडा बना रहे होते हैं, जिसमें टुमोरो हवा भर रही होती है, और वो ओनिज़ुका से पूछती है क्या मैं सही कर रही हूँ। तो ओनिज़ुका कहता है तुम एक अच्छा काम कर रही हो। तो ओनिज़ुका मुराई से बात करते करते एकदम से जब वापस सोडा की तरफ देखता है तो रॉकेट बहुत ज़्यादा फूल चुका होता है और एकदम से फट जाता है, जिसमें टुमोरो और मुराई के दोस्त भी भीग जाते हैं। तो मुराई कहता है यार ये सोडा मेरे कच्चे तक फैल गया है। फिर इसके बाद दिखाते काफ़ी शाम हो जाती है, और दो बच्चे टुमोरो को खेलता हुआ देख के खिलौने से वहाँ से ठस खा लेते हैं। और तभी टुमोरो याद करती है, जिसमें जब वो भागते भागते पचपन में नीचे गिर जाती है, तो कैसे मियाबी उसको हाथ देकर उठाती है। तभी वहाँ पे ओनिज़ुका आता है और वो भी साथ में खेलने लगता है। एक्चुअली हम इसे टुमोरो बोले या नोमोरू बोले तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं स्पेलिंग रॉन्ग हुई है और ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल नाम क्या है। तो हम इसे आपसे नोमोरू बोलेंगे, ना कि टुमोरू। अगर टुमोरू बोल भी देते हैं तो तुम्हें याद रखना ये कौन है। ओनिज़ुका नोमोरू से पूछता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रही थी। फिर एकदम से दोनों साथ में खेलने लगते हैं खिलौनों से। तभी ओनिज़ुका एक बहुत सुंदर सा सैंड से एक स्टैचू बना देता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया, ये मिस जूलिया है। तो नोमोरू कहती है कि टीचर आप तो काफ़ी अमेजिंग हो। फिर यहाँ से ऐसी बातचीत करते हुए बाद में दिखाते हैं कि यहाँ पर ये दोनों होते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जहाँ का शेफ उनसे कहता है कि देखो हमारे पास कुछ नया तो नहीं है पर काफ़ी सारे नूडल्स हैं। ये एक्चुअल में और कोई नहीं, नोमोरू के डैड होते हैं। तो ओनिज़ुका उन नूडल्स की काफ़ी तारीफ करता है, जिस पे शेफ ओनिज़ुका को बियर और अंडे फ्री में दे देते हैं। फिर ये खाने पीने के बाद नोमोरू और ओनिज़ुका नोमोरू के कमरे में होते हैं, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस नोमोरू कुछ बता रही होती है, लेकिन अपना ओनिज़ुका पता है क्या कर रहा होता है, बड़ा देख रहा होता है नोमोरू की। तो नोमोरू कहती है कि टीचर आप ये क्या कर रहे हैं। तो ओनिज़ुका एकदम से नोमोरू से कुछ पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारा है। तो नोमोरू कहती है कि मियाबी काफ़ी सुंदर है और समझदार है,
एक्चुअली ये एक उसके बचपन का बैग है और कहती है मियाँ भी सच में औसम है पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब ऐसा लगता है कि वो मुझसे परेशान है। फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं नोमुरो और ओनिजुका बाहर होते हैं तो नोमुरो कहती है कि टीचर क्या आप मेरे साथ हैंग आउट करोगे, जिस पर ओनिजुका कहता है नोमुरो तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। फिर कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुम्हें काफ़ी टाइम से आइजावा की तरह बनना था, आइजावा और कोई नहीं मियाँ भी है जिसका पूरा नाम है मियाँ भी आइजावा। फिर दिखाते हैं सीधा अगले दिन जहाँ पे लोग किसी ना किसी को पता नहीं किसी को घूर रहे होते हैं और ये और कोई नहीं अपनी नोमुरो होती है और याद करने लगती है कि कल रात ओनिजुका ने उसे क्या बोला था, उसे ये पहन के आना था अगले दिन और इन्हीं कपड़ों में अगले दिन उसका इंतज़ार करने के लिए कहा था जो कि नोमुरो कर रही है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मैं एक अडल्ट वीडियो का प्रोड्यूसर हूँ, क्या तुम्हें ओनिजुका ने भेजा है। यहाँ पर सीधा दिखाते हैं कि जो मियाबी के दोस्त होते हैं वो हॉल के सामने मियाबी का वेट कर रहे होते हैं तो मियाबी कहती है मैं बस ये समय मारने के लिए कर रही हूँ। तभी वहाँ पे कुनी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर दिखाते हैं यहाँ नोमुरो का मेकअप पूरा होता है और नोमुरो से कोई आउटफिट देता है उसे पहनने के लिए और वही बंदा कहता है कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। यहाँ पर दिखाते हैं स्कूल में ओनिजुका बोर्ड पर कुछ लिख के गया होता है और जिसमें लिखा था मुसाशी नो पब्लिक हॉल आना जल्दी ओनिजुका। फिर यहाँ दिखाते ओनिजुका भी उन सबके पास आ जाता है और उन सबको हेलो कहता है, कहता है ठीक है क्या हमारे पास आप सब लोग हैं। तभी वहाँ पे वही दोनों बंदे एडल्ट वीडियो के प्रोड्यूसर या मेकअप वाले जो भी है वो आ जाते हैं और साथ में नोमुरो भी आ जाती है। फिर ओनिजुका कहता है अब हमारे पास मेन कैरेक्टर है। मिया भी कहती है कि ये किस तरीके का आउटफिट है नोमुरो, तो मिया भी कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि जो स्टार बनने वाला है वो, तो ओनिजुका कहता है हाँ वो मी क्या कह रहे वो नोमुरो तोमोको है। यह बात सुनकर किकुची समेत सारे लड़कों की फट जाती है, किकुची का तो चश्मा टूट जाता है भाई। फिर लास्ट सीन दिखाते हैं जहाँ दिखाते हैं मिस इनोगाशिरा पेजेंट ओपन एडिशन स्पॉन्सर्ड बाय फूजी टेलीविजन, यही दिखाकर एपिसोड एंड हो जाता है। एंड भाई तुम्हें बताना, रिव्यू देना एपिसोड कैसा लगा। आई नो कि तुम एंड तक वीडियो नहीं देखते, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो टाइम लैप्स दे के मेरे को बता देना। तो इसी के साथ मिलेंगे जीटो के अगले एपिसोड में, एपिसोड 11 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एनीमे देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड मत आइए।